प्रदेश में करीब एक माह बाद बस सेवा बहाल होने से लोगों को कुछ राहत मिली है। फिलहाल कुछ रूटों पर ही बस चलाई गई हैं और सवारियों के मांग के अनुसार राज्य पथ परिवहन निगम रूटों की संख्या में वृद्धि करेगा। ऊना जिले में पहले दिन केवल 20 रूटों पर ही बसें भेजी गई। निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक सुरेश धीमान ने बताया कि सरकार द्वारा जारी कोरोना दिशा निर्देशों के तहत ही बसों का संचालन शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि बसों को सैनिटाइज करने की पूरी व्यवस्था की गई है। इस वजह से हमारी टीम मुस्तैद है बस स्टैंड पे, और सुबह सुबह शिमला के लिए पहली बस डिपार्चर हुई थी, उसमें सवारी का रिस्पांस अच्छा था। लगभग जितनी 25 सीटें 25 ही ऊना में फुल हो गई थी, और जो अदर प्लेसेस को गांव को वहां को सवारी कम है, परंतु आने का रुझान बढ़ रहा है। जैसे गाड़ी ऊना की तरफ आ रही है, सवारियों का रुझान बढ़ रहा है। वहीं दूसरी ओर निजी बस ऑपरेटरों ने प्रदेश भर में फिलहाल बस सेवाएं शुरू नहीं की हैं। निजी ऑपरेटर अभी भी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। निजी बस ऑपरेटर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष राजेश पराशर ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार निजी ऑपरेटरों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। उन्होंने कहा कि मांगे पूरा न होने तक निजी बस ऑपरेटर अपनी बसें नहीं चलाएंगे। प्रदेश सरकार ने ये फैसला किया कि अगस्त से लेकर जून 21 तक जो है स्पेशल रोड टैक्स और टोकन टैक्स में 50% की जो है माफ़ी है। हमारी कल वर्चुअल बैठक पूरे प्रदेश में हुई, जिसमें समस्त जिलों ने एक स्वर में ये डिमांड की कि जब तक हमारा 100% टैक्स माफ़ नहीं होता, तब तक हम बसें चलाने में असमर्थ है।